गाइस वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज भी हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, बट हाँ कल हर्ष की एग्जाम खत्म हो गई तो अब से उसे सुबह सुबह लेकर जाने का जो झंझट था मेरे पास वो अब खत्म हो चुका है। और आज ही जो है मैं सो कर उठी हूँ 9:30 बजे। पूरा दिन करेंगे धींगा मस्ती, बोलो अब से हम पूरे दिन करेंगे धींगा मस्ती। वैसे पापा जा रहे हैं, पापा को भी इमरजेंसी कॉल आ गया तो पापा सुबह ही सुबह जा रहे हैं पापा। टाटा एक दृश्य तो आपको दिख रही होगी। अच्छा हमारा फूल वाला जो स्टूडियो पर ही फूल डाल गया है। इसे छुट्टे फिलहाल हम लगाए हुए हैं टेरेस पर स्टूडियो के, और यहाँ पर हम देंगे हमारे कबूतरों को चावल। धूप बहुत ज्यादा है, मेरी आंखें नहीं खुल रही। अरे वाह वो देखो सामने कबूतर खा रहे हैं, वो देखो कबूतर खा रहे हैं। चलो वहां जाकर डाल करके आते हैं, यहाँ पर भी थोड़ा सा डाल देते हैं। लो फटाफट देख लो, यहाँ पर भी डाल दिया हमने थोड़ा। यहाँ पर जो कबूतर आएंगे ये वो लोग खाएंगे, और फटाफट चलते हैं वहां पर जाकर के डाल करके आएंगे। ठीक है तो गाइस हम लोग आ चुके हैं नीचे एरिया में, यानी यहाँ पर जो हमने पैसे दिखाया था यहाँ पर कबूतरों को दाना डालने के लिए। तो हम फटाफट से इनको दाना डालेंगे, थोड़ा दूर से डालेंगे, नज़दीक से तक ही उड़ जाए। वैसे मुझे प्रैक्टिस नहीं है तो हम डाल के देखते हैं खाते हैं या नहीं, क्या होता है कैसे होता है। हेलो गाइस नाइस टू मीट यू ऑल। हेलो क्या आप हमारा दाना खाएंगा या आप लोग उड़ जाएंगा? सब उड़ गया, कोई बात नहीं, जब वो लोग आएंगे तब वो लोग खा लेंगे, हम लोग से डाल कर जा सकते हैं। तो फटाफट से डाल देते हैं। ओके सो नाउ लेट्स हेड बैक टू आवर स्टूडियो। हमारे खाना बनाने वाले आंटी नहीं आए हैं बिकॉज उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो मामा ने उन्हें छुट्टी दे दी है। तो आज स्वयं सिमरन भदौरिया खाना बना रहे हैं नून का। शाम को तो बाहर से लाएंगे बिकॉज नून का मैं बना रही हूँ। तो ये गाय की पहली रोटी है, छोटी रोटी गाय की। मामा ने वीडियो में अक्सर बताते रहते हैं कि गाय के लिए खाने से पहले, मतलब कुछ भी बनाने से पहले, रोटी वोटी पहले एक रोटी पराठा या जो भी बनाओ आप वो निकाल देना चाहिए। तो फिर हमारी गाय की रोटी अब से तवे पर डाल देंगे। पहुँच गए हैं वीडियो बनाने के लिए, रेडी हो चुके हैं, तो चलो एक बार मॉम से मिलते हैं। हाय फ्रेंड्स, अब होगी तैयारी वीडियो की। कैसी है तबीयत? तबीयत ठीक है, मुझे नहीं लगता। मैंने नहा लिया है और मैं जा रहा हूँ पूजा करने मेरे हिस्से की। बाय बाय। तो अब मम्मा अपना कंटेंट वगैरह देख रहे हैं। मेरा कहना है कम वीडियो बनाना, आराम करना ज़्यादा। और मम्मा खाने में हम मूंग बॉईल करके उसकी सब्ज़ी बनाने वाले हैं। बढ़िया। एंड हियर यू गो, हैव सम एप्पल। ठीक है, एप्पल तो रोज़ खाना ही चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। एप्पल खाने से सेहत अच्छी रहती है, इनको भी काट लेना। ओके चलो। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो अब मेरी बन गई है। आज खाना घर में ही बन रहा है क्योंकि आज तो मेड आई नहीं है, तो आज खाना घर में ही बन रहा है। और बिट्टू ने बुलाया कि आज मैं ट्राई करती हूँ, देखते हैं आज बिट्टू क्या कैसा खाना पकाती है। वैसे तो आता है उसको, कुछ तो आता है, लेकिन हाँ कोई ऐसी चीज़ हो जो थोड़ा ज़्यादा बनाना हार्ड हो, मतलब जिसको, तो बिट्टू नहीं बना पाती है, लेकिन आज वो कोशिश कर रही है बनाने की। तो आज मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी कि बिट्टू ने ये आई है, बिट्टू ने अच्छा प्याज, गुड। आज देखते हैं बिट्टू क्या खाना बना करके लाती है। बिट्टू की हो गई है छुट्टी, अब इन लोगों के हो गए हैं वेकेशन, कुछ ना कुछ नया ऐसे ही करते रहेंगे, है ना? मेरा कहना है मुझे गाड़ी सिखा दो। हाँ बिट्टू को कार सीखना है, चलो कोई नहीं अब सिखा देंगे। तो गाइस पापा समोसे लाए थे अभी अभी, तो बहुत पसंद है समोसे मुझे, तो आपको पता ही है। तो मैंने इतना खा लिया फिर मुझे याद आया मुझे सीन देना चाहिए, तो मेरा सीन अब है घर वालों को। समोसा पापा का भी इतना हो गया। दिस इज माई मम्मा। हाय 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 हाय।
खाली हो गया। अब हो चुकी है दोपहर और श्री 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 सिमरन भदौरिया ने ये बना लिया है खाना, पर मम्मा ने मुझे बताया कि मैंने इसमें पानी ज़्यादा कर दिया है। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा हो जाता है, चलता है। पापा अभी आ गए तो हम लोग फटाफट से हमारा लंच ले रहे हैं, तो फटाफट से लंच ले लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। उससे पहले मम्मा मेरे खाने के लिए कोई रेटिंग? अभी तो टेस्ट ही नहीं किया तो तुमको रेटिंग दे? अरे लुक वाइज दे लो। मूंग में पानी ज़्यादा है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। ओके ऑलराइट, हमें नहीं चाहिए कोई रेटिंग, सारी चीज़ें ठीक है। ओके सो नेगेटिव रेटिंग, सो नेगेटिव रेटिंग। गाइस अब हो चुकी है हमारी इवनिंग और अब हम जा रहे हैं थोड़ी देर के बाद बाहर। पापा भी आ गए और हर्ष भी पढ़, मतलब वो सब कुछ हो गया उसका, सोना होना, मतलब एवरीथिंग इज डन राइट नाउ। अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए बाहर। यू कैन सी हाउ टायर्ड आई एम, यू सी दिस, चलो कोई नहीं, तो अब चलते हैं हमारे साथ बाहर, तो आप लोग भी चलो हमारे साथ। घूमी घूमी गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं बाहर और अब हम लोग कर रहे हैं घूमे घूमे, तो वाइल घूमे घूमे लेट्स गो टू मम्मा एंड पापा एंड टेक अ लिटल इंटरव्यू, सो लेट्स गो। हेलो मम्मा, हाय, हाउ आर यू? फाइन, निकले हैं घूमने के लिए, अच्छा लग रहा है। गर्मियों की शाम बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर होती है, है ना? यस। हेलो पापा, हाउ आर यू? फाइन। और तू? फाइन। इट्स मी। तो बहुत पीपी पीपी करते हैं पीछे, बहुत अनोखा होता है ना? तो चलो घूमें। तो गाइस आई हैव अ गुड न्यूज, मैं खड़ा हूँ ऐसे, चला नहीं देना, मेरे पापा के चला देते हैं। सो गाइस आई हैव अ गुड न्यूज़, जैसे हमने सुबह बात की थी कि मुझे ड्राइविंग सीखनी है, मम्मा ने बोला था हाँ सिखवा देंगे, मम्मा पापा ने आके यहाँ पर बात कर ली मेरी ड्राइविंग के लिए और अब मुझे मतलब कल से ड्राइविंग सिखाने वाले हैं, तो वर्ल्ड्स मेरी सबसे वर्ल्ड्स बेस्ट पेरेंट्स अवार्ड गोज टू माई मॉम एंड डैड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो अब चलते हैं बाहर घूमने के लिए, बिकॉज मेरा मूड बहुत सीख रहा है। ये नहीं खुला? अरे हाँ, हर्ष भी तो सीख रहा है, ये कांच के अंदर वाला भी सीख रहा है। तो अब हम लोग गाड़ी सीखने वाले हैं बड़ी जल्दी, फिर हम गाड़ी ड्राइव करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल लव एंड सपोर्ट। अब हमें गाड़ी सीखनी है। मेरा तो आज फास्ट है, आज बिट्टू गई है पकौड़ी खाने के लिए, देखते हैं। बिट्टू वैसे अकेली जाती नहीं है पकौड़ी खाने के लिए, मैं उतरती हूँ तो ही खाती है, आज गई है खाने। आज मैड आई नहीं थी, तो आज पूरा दिन बिट्टू ने घर को संभाला है। आज दोपहर को खाना भी बिट्टू ने बनाया था और मैं जस्ट एक्सरसाइज करके आई, क्योंकि मैं आज हम लोग मार्केट गए थे तो लवेरा लेकर के आए हैं, इसका अचार बनाएंगे, इसका अचार मैं खुद बनाऊंगी और कैसे बनाऊंगी ये भी मैं आपको बताऊंगी अपनी वीडियो में,
जरूर देखना। अभी तो इसको धो करके और फैला दिया है सूखने के लिए। ये देखिए बिल्कुल स्वच्छ करके धो दिया है। इसको लगभग 5-7 पानी से निकाला, निकाल करके इसको धो दिया है, धो करके साफ कर लिया है और अब इसको सुखा लिया है। कल इसका बनेगा अचार, आपको दिखाऊंगी मैं कैसा बनता है इसका अचार। दोस्तों वैसे ये अचार शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही सेहतमंद होता है ये। इसकी सब्जी भी बनती है और मैं इसका अचार बनाने वाली हूँ। देखिए आप कितने सुंदर है, बिल्कुल जब भी इसका अचार बनाओ बिल्कुल फ्रेश। देखिए मैं कितने हरे हरे लेकर के आई हूँ, बिल्कुल फ्रेश हैं। डाली से तोड़ लिया है, इनको तोड़ करके धो लिया है, धो करके साफ कर लिया है और लगभग लगभग तो अभी सूख भी गए हैं। कल बनेगा इनका अचार, स्वादिष्ट अचार है ना। एकदम चिकने चिकने हैं, मजबूत स्वच्छ। जब भी दोस्तों लवेरा का अचार बनाओ हमेशा, बहुत बड़े नहीं बहुत छोटे नहीं, ये जो साइज मैंने पसंद की है ये बहुत अच्छी रहती है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है ज़्यादा छोटे भी नहीं है। चमक है इनमें आप देखें। अचार बनाने के लिए दोस्तों कभी भी कोई भी चीज़ पसंद करे हमेशा हेल्दी ले, बिल्कुल स्वस्थ हो फ्रेश हो। तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं वापस स्टूडियो में, हमारा डिनर भी हो गया है यहीं पर और काम भी बहुत ज़्यादा है, तो काम भी अभी चालू ही है सब, वीडियो एडिटिंग वगैरह का। और ये मेरा टेडी वेडी है, मैं जहाँ होती हूँ वहाँ ये मेरे साथ ही होता है, तो अभी वीडियो में भी ये मेरे साथ ही है टेडी वेडी। तो अब सब कुछ तो हो गया है, अब बस वीडियो की एडिटिंग वगैरह चालू है, अब देखते हैं वो कितना लेट तक होती है। वो नहीं तो लेट तक ही है तो अब रुकना भी यहीं पर है। तो मेरे हिसाब से आज का व्लॉग अब हमें यहीं पर ख़त्म करना चाहिए, तो अब हम इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर। और जाने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल मत भूलना कमेंट करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कर देना गलती, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट, टेक केयर, बाय।